तवांग झड़प के बाद एक्शन में एयरफोर्स ईस्टर्न सेक्टर में आज से 25 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। राफेल, सुकोई और तेजस जैसे फाइटर होंगे युद्धाभ्यास में शामिल, सर्विलांस और रडार तकनीकी का भी किया जाएगा इस्तेमाल। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा कई साल से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश जारी। नरवणे ने कहा एलएसी पर चीन के छोटे छोटे चरणों में काम हो रहा है, समय के साथ वो काफी आगे बढ़ गए। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने की भारतीय सैनिकों की तारीफ, कहा हमारे सैनिक बहुत संयम रखते हैं, उकसावे पर गोली नहीं चलाते। तवांग पर संसद में विपक्ष का हंगामा, 17 विपक्षी दलों ने की बैठक, राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कसा तंज, कहा गलवान की घटना के बाद भी चीनी सामान के आयात में 45% की बढ़ोतरी क्यों। जम्मू कश्मीर में सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, तवांग में हुई घटना के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा लादेन को पनाह देने वाले देश पर कैसे करेंगे विश्वास। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने उठाया था मुद्दा, एस जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उसके पास उपदेश देने की साख नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर हुई बातचीत। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा, एस जयशंकर ने यूएन महासचिव ने अनावरण किया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 27, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शराब से मौत का बढ़ सकता है आंकड़ा, कई लोगों का छपरा के सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच में जारी है इलाज। जहरीली शराब से मौत मामले में बिहार विधानसभा में आज मच सकता है हंगामा। जहरीली शराब के मुद्दे पर सवाल पूछने पर कल विपक्ष पर भड़के थे नीतीश। बिहार के मंत्री समीर महासेठ की अजीब दलील, कहा जहरीली शराब से हो रही मौत तो बचना है तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ। पटना के फुलवारी शरीफ हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, प्रॉपर्टी डीलर के घर में एक गोली चलाते देखे हथियारबंद बदमाश। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश। पटना के दानापुर में भी 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, पुलिस को शुरुआती जांच में गैंगवार का शक। मारा गया एक युवक हाल ही में जेल से छूटकर आया था, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक महाराष्ट्र मुद्दे पर दोनों राज्यों के सीएम के साथ की मीटिंग, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी राज्य एक दूसरे पर दावा नहीं करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, कहा दोनों राज्यों के लोगों में है सौहार्दपूर्ण संबंध, शांति भंग की कोशिश नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र कर्नाटक के मुद्दे पर अमित शाह से मीटिंग के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा सरकार ने इसकी गंभीरता को समझ लिया। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की होगी बैठक, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और बाला साहेब थोराट होंगे शामिल। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन में शामिल हुए पीएम मोदी, गोल्फ कोर्ट में जाकर पीएम ने महाराज नगर देखा। पीएम मोदी ने कहा चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, पिता पुत्र का नाता हमेशा बना रहेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, सरकार महंगाई को और कम करेगी, जरूरी चीजों के दाम पर सरकार की नजर। थोक महंगाई दर में गिरावट, नवंबर महीने में घटकर 5.85% रही। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दर्दनाक हादसा, कंबल बांटने के दौरान मची भगदड़, 3 की मौत, 8 जख्मी। आसनसोल में शिव चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भीषण आग, 50 से अधिक घर जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, घर में रखा सामान जलकर खाक। दिल्ली एसिड हमला मामले में खुलासा, आरोपी सचिन ने ऑनलाइन मंगवाया था एसिड। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रफीक उर्फ टाइगर की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी के गाजियाबाद में मकान मालिक ने की किराएदार की हत्या, शव के 5 हिस्सों में काट कर। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अलग अलग जगहों पर फेंका, मृतक अंकित के अकाउंट में पैसा देखने के बाद मकान मालिक ने हासिल किया बैंक डिटेल, फिर गला दबाकर हत्या की। जोधपुर में आपसी झगड़े में डंपर ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, फिर स्कॉर्पियो में सवार लोगों पर की फायरिंग। हैदराबाद में एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4,68,000 रुपए बरामद, 3 बदमाश गिरफ्तार। ईरान को यूएन के कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन से बाहर निकाला गया, अमेरिका के प्रस्ताव पर वोटिंग। भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा, 16 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की। रूस के 2 मिसाइल करियर बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर भरी उड़ान।
इंग्लिश चैनल में फंसे एक बोट को बचाने की कोशिशें जारी। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में भारी बर्फबारी, हाईवे को किया गया बंद। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोरक्को को हराकर फ्रांस फाइनल में पहुंचा, शून्य के मुकाबले में 2 गोल से दर्ज की जीत। फ्रांस का फाइनल में मेसी के अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। रिटायरमेंट को लेकर मेसी ने दिया बड़ा बयान, कहा अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा हूं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन 6 विकेट पर 278 रन टारगेट किया। श्रेयस अय्यर साल 2022 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।